नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। इस वक्त मैं दानापुर खगौल रोड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नया पटना बस रहा है। पूरा जो यहाँ का माहौल है वो पहले के मुकाबले जो है बदला हुआ है। नई नई बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। आप सीधे कह सकते हैं कि नया शहर जो है पटना का वो इस तरफ ही बस रहा है, क्योंकि जो बाकी के इलाके हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और लोग इस तरफ रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह खाली है और अपने अनुसार इसे सजाना जो है आज के दिन में काफ़ी आसान है। और अगर बात करें लोगों के ख्वाब की, तो हर किसी का ख्वाब होता है कि उनका खुद का आशियाना हो, खुद का घर हो, और ख़ास करके पटना जैसे शहर में हो तो क्या कहना। अगर आप भी ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपका भी पटना शहर में घर हो, तो हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इधर देखिए, एक बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें एक खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। उर्मिला टावर इसका नाम होने वाला है और ये शगुना मोड़ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनने जा रही है जो आपको 1 से 2 साल में रेडी मिलने जा रहा है और यहाँ पर कई सारी सुविधाएं होने जा रही है। हम आपको एक एक कर सारी चीज़ें दिखाएँगे और बताएँगे भी कि आपको क्या यहाँ पर मिलने वाला है और कैसी सुविधा मिलने वाली है। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही बिल्डिंग जो है यहाँ पर तैयार होने जा रही है। और अगर आप भी ख्वाब देख रहे हैं कि आपका खुद का आशियाना हो और इतना खूबसूरत हो, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। अगर आपका जो बजट है वो 1 करोड़ के आसपास का है, तो आप आराम से यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अभी आपको बस बुकिंग के पैसे ही देने पड़ेंगे और आपको यहाँ किन से कॉन्टैक्ट करना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले आप टेरेस का टॉप व्यू देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। छत के ऊपर आपको बिल्कुल ऐसी ही सुविधाएं मिलने वाली है। चारों तरफ से प्यारे प्यारे पेड़ पौधे लगे रहेंगे और आपको सिटिंग एरिया भी दिया जाएगा ताकि आप छत पर टेरेस पर बैठकर भी समय व्यतीत कर सकें। और फ्रंट व्यू भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग का कि कैसे हर फ्लैट के सामने बालकनी होने वाली है। हम आपको अंदर का भी व्यू दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसा होने वाला है पूरा बिल्डिंग उर्मिला टावर जिसका नाम है। नीचे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सुविधा भी दी जाएगी, आसपास में आपको गार्डन वगैरह भी दिया जाएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छा जो है वो एरिया मिल सके। साथ ही साथ ये पैसेज एरिया देखिए, जहाँ से आप गुजरेंगे और आपको इस तरह की हरियाली भी नज़र आएगी। इसके अलावा जो फ्रंट एंट्री है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। आपको बता दें कि उर्मिला टावर का जो निर्माण है वो वनस्थली होम LLP के द्वारा किया जा रहा है। शगुना खगोल रोड पर इसका निर्माण हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत व्यू जो है वो होने वाला है। और अंदर जब बिल्डिंग बनकर पूरी तैयार हो जाएगी वो इस तरह की दिखेगी। आप देख सकते हैं कि फ्लोर प्लान किस तरीके का है, आपको बालकनी एरिया कैसा दिया जाएगा, कारपेट एरिया कितना दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्लोर प्लान 1 को आप अगर देखें तो फ्लैट नंबर 1 और 2 ऐसा होने वाला है जहां पर आपको 3 कमरे मिलेंगे, 2 बेडरूम्स और 1 मास्टर बेडरूम आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको लिविंग एरिया भी काफ़ी खूबसूरत मिल रहा है। आप 3 कमरों में अटैच्ड बाथरूम जो है वो आपको मिलने जा रहा है और हर एक कमरे के बाहर आपको एक छोटी सी बालकनी भी मिलने जा रही है जिससे आप बाहर के नज़ारे को देख सकते हैं। इसके अलावा किचन, और आप तमाम फ्लैट्स को आप देख लीजिए, दूसरा फ्लैट और तीसरा फ्लैट, सबका डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन सबको बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। कोशिश की गई है कि ज़्यादातर कमरों में अटैच्ड बाथरूम दिया जाए और एक वॉशरूम जो है वो लिविंग एरिया के लिए भी हो ताकि कोई गेस्ट आए तो किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो। कई फ्लैट्स में किचन जो है वो सेपरेट है और कई सारे फ्लैट्स ऐसे हैं जिसमें आपको ओपन कुकिंग एरिया जो है वो दिया गया है। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स होंगे वो भी आपको बता देते हैं। CCTV कैमरा से लैश होगा पूरा बिल्डिंग। उसके अलावा बच्चों के लिए खेलने की जगह, टेरेस गार्डन तो हमने आपको दिखाया ही, वेल डिज़ाइंड अपार्टमेंट एंट्रेंस गेट एंड लॉबी ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा जब इंटीरियर का काम होगा तो आपको डेकोरेटिव सीलिंग भी नज़र आएगा और पार्किंग एरिया भी आपको मिलने वाला है।
रिसेप्शन होगा ताकि जो भी लोग कभी आए आपके घर पर तो रिसेप्शन में तमाम तरह की जानकारियां जो है वो रिकॉर्डेड रहे और बिल्डिंग में किसी को भी किसी से कनेक्ट होने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लॉबी होगा और जो एक्सटीरियर फिनिश जो है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा UPVC स्लाइडिंग विंडोज़ होने वाले हैं, तो काफ़ी सारी सुविधाएं जो है एक साथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप जो है बुकिंग के टाइम पर आपको केवल पैसे देने हैं और आपको बता दें कि ये जो पोजीशन है आपको लगभग 1 से 2 साल में मिल जाएगा, यानी कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपने जाना कि ये शगुना दानापुर रोड पर अवस्थित है। रेडियंट स्कूल की बात करें तो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर रेडियंट स्कूल है। सेंट कैरन स्कूल 600 मीटर की दूरी पर है। DAV स्कूल मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। शगुना मोड़ से जो ये जगह है वो 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है और दानापुर रेलवे स्टेशन मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा पारस हॉस्पिटल लगभग 6.5 किलोमीटर, पटना जू 8 किलोमीटर और एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से 9 किलोमीटर की है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है और यहाँ पर फ्लाईओवर्स इतने बन गए हैं कि आपको मेन शहर से यहाँ पर पहुँचने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। आप कह सकते हैं कि पटना का जो नया शहर है वो बिल्कुल यही बस रहा है, आइडियल लोकेशन है। आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ जो डिज़ाइन की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इंटीरियर वगैरह सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। बजट लगभग 1 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। और अब आपको देते हैं कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं सेल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी है, आपको पूछताछ करनी है, तो आप इन दो नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो है 9835039955। एक बार फिर से बता दें 9835039955। इसके अलावा 7250167397 7250167397। तो ये दो नंबर हैं, कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आप आराम से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस बिल्डिंग से रिलेटेड या फिर आपको बुकिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी, तो आपने जाना कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिलने जा रही है। एक झलक आपको ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ का काम जो है वो शुरू हो चुका है और कैसे इसकी शुरुआत की गई है। तो आपने पूरा लेआउट देखा, पूरा वीडियो देखा कि किस तरह से बिल्डिंग को लेकर जो प्लान है वो तैयार किया जा चुका है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। आप अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप इन दोनों ही कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग शुरू कर सकते हैं। आपको फ़िलहाल बुकिंग के ही पैसे देने पड़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके आप पूरा जो पैसा है वो चुका सकते हैं। 1 से 2 साल में आपको आपका घर आपके नाम पर मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके बेहद काम आएगा और आपकी जानकारी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस इलाके में इस तरह के खूबसूरत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आप भी इन दिनों घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, धन्यवाद।